हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोग को यूसी लाइव चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम का पार्ट 9 हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 10 देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस हम लोग कैसे निकाला जाता है। कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर उसका सम बोला जाए या फिर सम और सब्ट्रैक्ट दिया हो या मल्टीप्लाई दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसका हम लोग कैसे यूनिट प्लेस निकाला जाता है, वो चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस समझ रहे हैं किससे बोलते हैं? यूनिट प्लेस समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्लेस वैल्यू देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कोई नंबर लिखा, जैसे हमने लिख दिया 1, ठीक है, ये हमने नंबर लिख दिया। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है। जो हमारा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर में 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 0 का मान लीजिए इसको 8 कर देते हैं, चलिए इसको 8 कर रहने देते हैं इसको, ठीक है, बोला जाएगा 0 का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, समझ में? तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे इसको समझना है, ध्यान देना है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जो हमारा पोजिशन बताता है कि पोजिशन कौन सा है हमारा, तो पोजिशन जानेंगे कैसे? जब तक हम लोग को पता नहीं रहेगा काउंटिंग कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। ये हमारा जो राइट साइड का जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है राइट साइड से, तो ये हमारा क्या होता है? यूनिट होता है, यही यूनिट प्लेस इसी को बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, इकाई का स्थान, यूनिट प्लेस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? टेंस प्लेस। ठीक है, जिसको बोलते हैं दहाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 100 प्लेस, मतलब सैकड़ा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? हजार वाला प्लेस, थाउजेंड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया प्लेस? 10,000, 10,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 10,000 के बाद क्या होता है? लाख होता है। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे तो 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, इसी तरह से चलते रहता है। तो ठीक है, इतना चीज हमें ध्यान देना है। जो हमारे फर्स्ट नंबर होते हैं इसको इकाई बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं इसी को ही। ये हमारे सेकेंड वाले क्या होते हैं? टेंस प्लेस होते हैं। थर्ड वाले हमारे क्या हो जाएंगे? थर्ड वाले हमारे 100 प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ये फोर्थ वाले प्लेस क्या हो गए? 1000 प्लेस हो गए। फिफ्थ वाले क्या हो गए? 10,000 हो गए। सिक्स्थ वाले प्लेस क्या हो गया हमारा? लाख हो गया। ठीक है, उसी तरह से सेवन वाले हो जाएंगे हमारा 10 लाख। ठीक है, समझ में? तो इसका ध्यान देना है। तो अगर बोला जाएगा एट का प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है इसका, अगर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो एट का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ध्यान देंगे, एट किस पोजिशन पर है? देखेंगे 1000 का प्लेस है पोजिशन पर, तो क्या होगा? 8000 होगा। समझ में आ रहा क्या हुआ? प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, कितना होगा? तो 8000 होगा। कैसे होगा, समझ में आया? हम लोग काउंटिंग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इसको हम लोग वंस भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, और इसको वंस बोलते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, समझ में? तो ही हमारा यूनिट प्लेस होता है, जो वंस प्लेस बोलते हैं इसको भी। ठीक है, तो समझ में आया? वंस प्लेस कौन हो गया हमारा, इकाई का स्थान कौन हो गया? ये वाले होते हैं फर्स्ट नंबर। तो हम लोग इसी पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे ये हमारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, अब बोले जा रहे हैं कि जो हमारा 824 प्लस 2546 प्लस 2230 को जोड़ने पर बोला जा रहा है यूनिट प्लेस क्या आएगा इसका। ठीक है, ये बोला जा रहा है, तब ध्यान देंगे। अगर यूनिट प्लेस बोला जा रहा है किसी भी क्वेश्चन का, अगर निकालना हो यूनिट प्लेस, तो हम क्या करेंगे, सो पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे, क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ इसका यूनिट प्लेस पर ध्यान देंगे, इकाई के स्थान पर ध्यान देंगे, वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर क्या है। ठीक है, सिर्फ यूनिट प्लेस को ही देखेंगे,
ध्यान देना है, और उसी को ही लेके चलेंगे। यहाँ अगर प्लस बोल रहा है तो लोग प्लस करते चलेंगे, माइनस बोलेगा तो माइनस करेंगे। तो पहले प्लस है, क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, छः चार और छः को जोड़ेंगे तो दस। अब जैसे ही दस आएगा, मतलब दो डिजिट का नंबर जैसे ही आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, यूनिट प्लेस लेंगे, फिर से उसका वंस प्लेस लेंगे। ध्यान देना है, क्या करेंगे, फिर से उसका यूनिट प्लेस लेंगे। तो 10 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर जीरो हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर जीरो प्लस जीरो बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, इसका यूनिट प्लेस हो गया। इकाई का स्थान कितना हो गया, जीरो हो गया। उसी ढंग से यहाँ करना है, क्या हो जाएगा, आठ और नौ सत्रह हो गया। सत्रह में से अब दिया माइनस है, तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे दो कितना होगा, सॉरी सत्रह था, सत्रह का हम लोग क्या करेंगे, सात लेंगे इकाई अंक, ठीक है। जैसे ही डबल डिजिट में चला जाएगा तो हम उसको फिर कर देंगे सिंगल डिजिट में, क्या करेंगे, इकाई स्थान लेंगे। तो इकाई का स्थान कितना होगा, सेवन हो जाएगा। तो सेवन में से टू गया, फाइव हो गया। फिर फाइव में से फाइव जाएगा तो क्या जाएगा, जीरो हो गया इसका आंसर। समझ में, उसी ढंग से यहाँ करेंगे, एक अब यहाँ मल्टीप्लाई है, एक गुना आठ, वन इंटू एट क्या जाएगा, एट हो जाएगा, आठ होगा। अब आठ को फिर क्या करेंगे, छः से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आठ को छः से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 48 आता है। तो 48 को हम लोग सिर्फ क्या क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यूनिट प्लेस लिखना है, ठीक है। उस ढंग से आगे चलेंगे, फिर यहाँ भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, पाँच को पाँच से गुना करेंगे, क्या आएगा, 25 आएगा। 25 का क्या करेंगे, पाँच लेंगे, पाँच को फिर क्या करेंगे, चार से गुना करेंगे। तो पाँच को चार से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा मतलब जीरो लेंगे हम लोग, यूनिट प्लस, ध्यान देना, यूनिट प्लस जीरो हो गया। अब जीरो को क्या करेंगे, दो से माइनस करेंगे। अब ध्यान देना है, क्या है, जीरो है, जीरो को माइनस दो से डिवाइड करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर क्या करेंगे, माइनस दो नहीं लिखेंगे, ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं करना है कि माइनस दो लिख देंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब देख रहे हैं क्यों इसको देख रहे हैं, क्या करेंगे, अब जो हमारे इसके बगल वाले नंबर जो रहते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, इससे पहचान लेते हैं, उसे उधारी लेते हैं, बोरो करेंगे उससे। तो अगर बोरो करेंगे तो क्या जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ना कह रहे कि 0 माइनस 2 तो क्या कर दे, माइनस 2 आ गया आंसर, ठीक है। ये नहीं करना है, क्या करना है, जैसे ही 0 दिख गया उसको क्या कर देंगे, 10 बना देंगे, 10 से 2 घटा देंगे, बढ़ाने में क्या जाएगा, 8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर ढंग से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 को 2 से गुना करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, 8 लेंगे फिर उसका यूनिट प्लेस, 8 लेंगे फिर 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, ध्यान देंगे 8 हुआ। आगे चलेंगे, 8 को फिर क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो क्या है, तो अगला हमें नोट से देखना है, हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर इकाई के स्थान में कोई एक पाँच वाला संख्या और उसके साथ कोई एक समान सम संख्या हो, ठीक है, ध्यान देना है, कि कोई नंबर दिया हुआ हो, जैसे ये हमारा नंबर था, ठीक है, जिसका इकाई के स्थान पर पाँच वाला था, ध्यान देना, जैसे हमको पाँच वाला दिख जाए, पाँच नंबर, और उसके साथ कोई एक सम संख्या दिख जाए, इवन नंबर दिख जाए, पाँच वाले नंबर हो और उसके साथ क्या हो जाए, एक सम संख्या दिख जाए, ध्यान देना है, और वो मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए। अगर वो मल्टीप्लाई के रूप में है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, इस चीज़ का ध्यान देना है। समझ में, ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर पाँच दिख गया तो पाँच दिख गया तो सबसे पहले हमको क्या खोजना है, एक सम संख्या खोजना है। जैसे हमको सम संख्या मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा यूनिट प्लेस क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जीरो को अगर कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, पाँच खोजेंगे, पाँच जैसे ही मिल गया, पाँच मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सम संख्या खोजेंगे, एक इवेन नंबर खोजेंगे। इवेन नंबर जैसे ही मिलेगा वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम को, वहाँ जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए सारे टीचर लोग अपने अपने पीडीएफ्स दे रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ से बहुत सारे क्यूज भी चलते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है, अगर क्या बोल रहा है, अगला टाइप में हमारा बोल रहा है कि द नंबर इन द यूनिट प्लेस ऑफ बेस इतना, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ बेस में, ये इतना हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, सेवन, एट, नाइन, इसका यूनिट प्लेस ध्यान देना है। मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि हमने कोई नंबर लिख दिया, जैसे क्या 23,
ठीक है, अगर इसका पावर क्या बोल दिया जाए, 5, 23 का पावर क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो बोला जा रहा है इसका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है, यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आएगा, इस चीज का ध्यान देना है। क्या बोला गया है, कोई नंबर हो जिसका क्या पावर दिया हुआ, कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 521 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसका बोला जाएगा अगर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, इस चीज़ को हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है कि जो नंबर हो, ध्यान देना ये नंबर अगर इसको यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस हमारा ये हो गया, ठीक है, ध्यान देना है यूनिट प्लेस हमारा ये हो गया 3, तो उसी तरह से अगर दिख जाए यूनिट प्लेस पर क्या दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 4 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए और 9 दिख जाए, अगर इतने डिजिट अगर दिख जाए यूनिट प्लेस पर, तो क्या करते हैं जो हमारे पावर होते हैं, ठीक है ना, यूनिट प्लेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पावर में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना है पावर में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं पावर में हम लोग क्या करते हैं, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा रिमेनिंग, ध्यान देना है जो रिमेनिंग आएगा अब उसको पावर लेंगे, ठीक है, ध्यान देना जब रिमेनिंग आएगा तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, अब उसको पावर लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है, तो 23 का पावर 1 मतलब क्या आएगा, 23 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझ में, उस ढंग से ध्यान देना है, अगर इसको यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 0 हो, 156 मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया, 10 के पावर 20 अगर बोल दिया जाए, जैसे 0 दिख गया, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, अगर ये दिख जाए तो ये इसका यूनिट प्लेस क्या होता है, सेम रहता है, नो चेंज होगा, ठीक है, ध्यान देना, अगर 0 दिख गया तो यूनिट प्लेस भी 0 होगा, अगर 1 दिख गया तो यूनिट प्लेस भी 1 होगा, अगर 5 दिख गया तो उसका यूनिट प्लेस भी 5 होगा, अगर 6 दिख गया तो उसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, समझ में कोई दिक्कत आ गई समझने में, ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देना, नोट्स हमारा क्या बोल रहा है, नोट हमारा कि बोल रहा है यदि पावर बटा 4 करें पूरी तरह से विभक्त हो जाए तो पावर को क्या लेंगे हम लोग, 4 के रूप में उपयोग करेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग ने कोई नंबर लिखा, ठीक है, ध्यान देना है, हमने लिखा क्या 5 का पावर 64, ठीक है, ये हमने लिखा, अब बोला जा रहा है कि अगर इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को बोला जा रहा है कि क्या करना है, चलिए चलते मान लीजिए 12 है, 12 के पावर लेते हैं हम लोग क्या 64, ठीक है, तो अगर 12 के पावर 64 लेते हैं, ध्यान देना है, तो क्या होगा हमारा, तो देखना है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस क्या था 2 है, अगर उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब यूनिट प्लेस पर 2 होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो पावर है उसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे ये क्या देखेंगे, उसका रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ गया, मतलब पूरा पूरा कट गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि 12 का पावर क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे 12 का पावर 4 लेंगे, ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, अब ध्यान देना है यूनिट प्लेस लेना है, तब 2 लेंगे, 2 का अगर पावर 4 करेंगे, 2 को अगर 4 पर गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा यूनिट प्लेस पे, ठीक है, क्या आएगा 6 आएगा हमारा, समझ में क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, समझ में, तो कैसे करना है इसका मतलब, ये नोट का मतलब समझ में आया, क्या है नोट क्या बोल रहा है कि यदि कोई पावर हो और पावर पूरा पूरा तरह से कट जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसका पावर को हम लोग क्या करेंगे, अब 4 के रूप में लेंगे, ठीक है, किसी समझ में है कैसे हुआ, हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर 7 के पावर क्या हो 15 हो, क्या बोला जा रहा है 7 के पावर 15 अब मल्टीप्लाई फिर क्या किया जा रहा है 8 के पावर को 19 से, तो बोला जा रहा है इसका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है, चलते हैं, क्या है 7 है, 7 का पावर 15 है, मतलब क्या करना है 4 से डिवाइड करना पड़ेगा पावर में, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा 3 आएगा, मतलब 7 का पावर 3 हो गया, क्या हो गया 7 का पावर 3 हो गया, फिर क्या करना है गुना करना है, 8 का पावर क्या है 19 है, 8 के पावर को फिर क्या करेंगे 19 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 के पावर 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तब उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 का पावर 3 कितना होता है 343,
ठीक है, 8 का पावर 3 कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, इसको गुना करेंगे, 3 और 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, अब इसका यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस गुना कर देंगे, जिस तरह से हम लोग कर रहे थे पिछले में, ठीक है, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था ना, अगर गुना रहता तो गुना कैसे हम लोग करते हैं, तो क्या करेंगे, 3 और 2 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में कैसे करना है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, यहाँ भी क्या बोल रहा है, 7 का पावर 3 है गुना 8 का पावर 3 है। ठीक है, यहाँ तो पावर छोटा ही है, ये हमारा यही था क्वेश्चन यहाँ पर जो आया है, तो क्या जाएगा इसका यूनिट प्लेस, क्या जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, यही था ना, इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, 7 का पावर 3 क्या आता है, 343 गुना क्या हो जाएगा, 512 करेंगे तो क्या जाएगा यूनिट प्लेस, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। ठीक है, उस तरह से एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, 6 है, जैसे में क्या बेस दिख जाए, 6 दिख जाए, 6 बेस दिख जाता है तो क्या आ जाता है, उसको यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। उस तरह से अगर 1 दिख जाए तो 1 होता था, ठीक है, बेस हमारा देखना है, बेस में क्या यूनिट प्लेस था, 6 दिख जाए तो क्या था, सेम नो चेंज। उसी ढंग से अगर 1 दिख जाए तो नो चेंज, ठीक है, फिर क्या है, 9 है यहाँ, तो 9 जैसे दिख जाता है क्या कर देते, पावर को क्या कर देते, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हो गया हमारा, सॉरी 59 का पावर 1 हो गया, मतलब क्या हो गया, 6 गुना 59 हो गया, मतलब कि 6 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस पर मेरा आंसर 4 होगा। समझ में आया, उस तरह से इसको भी सॉल्व करना है तो क्या आएगा, 7 के पावर कितना है, 95 है, फिर क्या है, -3 के पावर 58 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है 2 क्वेश्चन को। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो अगला टाइप क्या है कि इफ द पावर इज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल, तो उसका यूनिट प्लेस निकालना है, क्या निकालना है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब समझ रहे, जैसे हम लोग कोई नंबर लिखे हैं, जैसे हम लोग लिखा क्या, 8 के पावर 52 फैक्टोरियल, ध्यान देना है, ये हमारा फैक्टोरियल का साइन होता है। ठीक है, ये जो हमारा है, ये साइन हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल का होता है, ध्यान देना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 52 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि हम लोग वो नंबर जो है 1 से लेकर के 52 तक आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है वो हमारा क्या आता है, वही नंबर ये होता है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल मतलब मान लीजिए फैक्टोरियल 2 लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 1 into 2। फैक्टोरियल 3 लिख दिया, मतलब क्या होगा, 1 into 2 into 3। और उसी तरह से फैक्टोरियल 4 लिख दिया, क्या जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4। तो उसी तरह से फैक्टोरियल 52 है तो क्या जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4 into ...... 52 हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो अगर मान लीजिए इस फॉर्म में रहे, ध्यान देना है, क्या है हमारा फॉर्म कि 8 to the power 52 फैक्टोरियल रहे, ध्यान देना है, इस तरह के हो क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है, अगर हमारा बेस, बेस मतलब ये हमारा बेस, बेस अगर क्या होगा, इवेन नंबर हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ध्यान देना है, उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगा। क्या हुआ, यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगा। उसी तरह से अगर ऑड नंबर दिया हुआ रहे उसका बेस में, ध्यान देना है, अगर ऑड नंबर दिया हुआ रहे अगर बेस में ऑड नंबर दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, 1 आएगा यूनिट प्लेस, क्या आएगा, 1 आएगा, ध्यान देना है। अगर इवन नंबर दिया हुआ हो बेस में तो 6 होगा यूनिट प्लेस उसका, अगर ऑड नंबर दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस उसका, 1 हो जाएगा। और एक कंडीशन और क्या है कि अगर कोई नंबर अगर इसका यूनिट प्लेस में क्या हो, 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, ध्यान देना, 0 1 5 6, तो ये नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा, नो चेंज होगा। समझ में आया, मतलब सेम टू सेम होगा। मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया क्या,
25 का फैक्टोरियल, 25 टू द पावर 5 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। उस तरह से हम लोग लिख देगा क्या 72 का फैक्टोरियल 9, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, जैसे ही वो क्या दिख गया ऑड नंबर दिख गया, ऑड नंबर जैसे दिखेगा तो सब क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। कहते ना फैक्टोरियल के रूप में होना चाहिए पावर, जैसे ही फैक्टोरियल के रूप में दिख गया अगर ऑड नंबर है तो पावर क्या हो जाएगा, सॉरी उसका इवन नंबर क्या यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। जैसे ही अगर इवन नंबर दिख गया तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये था हमारा अगला टाइप, क्या था कि अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो उसका यूनिट प्लेस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बोल सकते हैं वो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी पर हमारा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जांपल से कुछ है हमारा, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में 8 टू डी पावर 25 फैक्टोरियल है, क्या है 8 टू डी पावर 25 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया हमारा बेस में इवन नंबर है, जैसे इवन नंबर दिखेगा तो क्या आ जाएगा उसका, ठीक है उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा यूनिट प्लेस 6 होगा, ठीक है। उसी ढंग से अगर अगला देखा जाए क्या बोल रहा है कि ये हमारा है नंबर है गुना है फिर गुना है गुना चलते जा रहा है, ध्यान देना है कोई नंबर है क्या, ये हमारा नंबर है क्या इवन नंबर है, इवन नंबर का पावर फैक्टोरियल के रूप में है तो क्या देगा यूनिट प्लेस उसका 6 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उस ढंग से यहाँ क्या हो जाएगा 1 है तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा उसका यूनिट प्लेस, इसको गुना करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 होगा। ये हमारा इतने नंबर का अगर यूनिट प्लेस क्या निकालेंगे तो क्या होगा 6 होगा, समझ में। आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये इतना नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि 7 के पावर 71, क्या बोल रहा है 7 टू डी पावर 71 इंटू 6 टू डी पावर 63 इंटू 3 टू डी पावर 65, तो गुना करने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा वो बोला जा रहा है, ठीक है। इकाई का अंक क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा है कि कोई नंबर हो, ठीक है, नंबर दिया हुआ हो, ठीक है। अब क्या करेंगे उसका पावर में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा पावर में हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 7 टू पावर 3 बचेगा, ठीक है। फिर उस तरह से ऐड करेंगे, इसमें भी करेंगे, जैसे ही 6 दिख गया 6 पर कितना ही पावर क्यों ना हो क्या होता है वो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 आएगा। आगे चलेंगे वही ढंग से यहाँ करेंगे 3 है, 3 के पावर कितना है 65 है, ठीक है, तो 65 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 के पावर 1 होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर एक ही बचेगा ना 65 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो। अब इसको सोल्व करेंगे और 3 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, गुना करेंगे 3 6 18, 18 का 8 हुआ यूनिट प्लेस, 8 तिहाई 24, 24 कितना हो गया 24 आया, मतलब कि 4 हो गया यूनिट प्लेस जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो कैसे हुआ आगे चलते हैं, फिर इसी ढंग से बोला जा रहा है कि द यूनिट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट 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 89, ठीक है, यहाँ तक बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा ध्यान देना है, क्या हमारा नंबर बोल रहा है 81 बोल रहा है, गुना 82 बोल रहा है, गुना 83 बोल रहा है, 84, 85, 86, 87, 88 और 89, यहाँ तक नंबर बोल रहा है गुना करना है। तो ध्यान देना है कि हमको एक नंबर दिख गया, क्या 85 दिख गया, दिख गया कि नहीं दिख गया, उसका यूनिट प्लेस कितना है ध्यान देना है, उसका यूनिट प्लेस 5 है। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर जैसे ही क्या दिख जाए 5 दिख जाए और उसके साथ क्या दिख जाए एक इवन नंबर दिख जाए तो क्या होता है वो नंबर का यूनिट प्लेस क्या होता है 0 ही होता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है, समझ में आया कि कैसे आया 0।
आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, अगला टाइप क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। बोला रहा है कि एक संख्या को अगर 50 से भाग देने पर, ध्यान देना है, क्या 15 शेष बचता है, कितना शेषफल बच रहा है, 15 बच रहा है। ध्यान देना है कि किसी नंबर हो या कोई नंबर बोल रहा है, अगर उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बच रहा है, 15 बच रहा है। तो उसी संख्या को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये चीज बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई नंबर था हमारा, नंबर कितना है, 50 है। ठीक है, कोई एक नंबर था जिसको क्या करना था, 50 से डिवाइड करना था। डिवाइड करने पर क्या बच रहा था हमारा, रिमाइंडर 15 बच रहा है। ठीक है, उसी ढंग से बोला जा रहा है कि सेम नंबर को, ठीक है, इसी नंबर को जो हमारे नंबर था x, ठीक है, माने x, x को हमने 50 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आया, 15 आया। तो इसी नंबर को, सेम नंबर को, ठीक है, सेम नंबर को किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो क्या आएगा रिमाइंडर, वो बोला जा रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान देंगे, क्या करेंगे कि अगर ये चेक करेंगे क्या ये नंबर इस नंबर से कट रहा है, ध्यान देना है, ये नंबर अगर इस नंबर से कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है, तो कट जाएगा ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फिर अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, 10 को 15 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान देंगे, जब नंबर हमारा सेम हो तो क्या करेंगे, हम इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर हम लोग इस नंबर को इस नंबर से चेक करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे जो आएगा रिमाइंडर वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है, आगे चलते हैं। उसी ढंग से बोला जा रहा है कि एक संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बनेगा, इसको सोल्व कीजिए। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। तो क्या आएगा, हम लोगों ने क्या बोला कि कोई नंबर एक्स है, उसको क्या करना है, उसको 50 से भाग देना है, भाग देने पर क्या आएगा, बोला जा रहा है भाग देने पर 15 शेष बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या, सेम संख्या को क्या करना है, 12 से भाग देना है, तो 12 से भाग देने पर क्या बोला जा है, शेषफल क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना, नंबर सेम है, ध्यान देना, नंबर जब सेम रहे तो क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इससे इस नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब 12 को 50 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे क्या, पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कांट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर इसका होगा, इसका हम लोग आंसर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा हमारा कट नहीं रहा है, ये नंबर जब ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं तो हम लोग नहीं क्या करेंगे, इससे डिवाइड डायरेक्ट भाग नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा, पता चला कि 12 को 15 को 12 से भाग दे करके रिमाइंडर 3 आंसर ला रहे हैं, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन भी रह सकता है। आंकड़ा अपर्याप्त, ठीक है, तो समझ में, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग को अगर ये डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना है, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आगे हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ेंगे, अगर नहीं हो रहा है बस यहीं छोड़ देंगे आंसर, हम लोग क्या कर देंगे, कैन नॉट डिटर माइन आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी ढंग से बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बोल रहा है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो बोल रहा है इसी संख्या के वर्ग को अगर 5 से भाग दिया जाए, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है, मान लीजिए कोई नंबर था हमारा संख्या x, जिसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना था। ठीक है, उस कंडीशन में क्या आंसर आ रहा है हमारा, रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो बोल रहा है कि अब इसी संख्या के वर्ग को, मान लीजिए ये संख्या था, इसी संख्या का क्या करना है,
वर्ग को क्या बोला जा रहा है, पांच से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या कर रहा है, इसी संख्या के वर्ग को पांच से डिवाइड करने पर आंसर पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो जैसे ही बोल दिया जाए, जैसे ही क्या कर दिया जाए, ध्यान देना है, जैसे ये स्क्वायर हो गया, जैसे ही स्क्वायर दिख गया, जो नंबर था हमारा, नंबर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर में बदल देंगे। स्क्वायर में बदल देंगे तो क्या जाएगा, नाइन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाइन फाइव को हम लोग नाइन से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा यहाँ देख रहे हैं हम लोग कट जा रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो नाइन को हम लोग फाइव से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारा, फोर आ जाएगा, जो कि हमारा फोर आंसर हो जाएगा। सही है, फोर कैसे आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरह से बोला जा रहा है कि एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बोल रहा है, 8 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को अब ध्यान देना है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है इसका लैंग्वेज। क्या बोला रहा है कि किसी संख्या को अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। कोई संख्या था तो हम लोग 10 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा था, 8 प्राप्त हो रहा। अब यह किया जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि इससे प्राप्त भागफल को अब क्या कर रहा है कि 15 से भाग देने पर, ठीक है, 15 से अगर भाग देंगे कितना बच रहा है शेषफल, 5 शेषफल बच रहा है। तो वो संख्या को 50 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, ध्यान देना है, हम लोग क्या करना है, नंबर निकालना है। नंबर निकालेंगे तभी तो 50 से डिवाइड करेंगे, हम लोग को नंबर पता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे, ये हमने लिखा क्या था, 10 से डिवाइड किए 8 रिमाइंडर बचा, फिर क्या करना, 15 से डिवाइड किए 5 रिमाइंडर बचा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 5 20 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से गुना करते हैं। क्या करेंगे, इस नंबर को इससे गुना करेंगे, क्या आया था हमारा 20 आया था, 20 को अब 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 200 होगा। अब 200 को फिर क्या करेंगे, 8 में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 208 हो जाएगा, नंबर हमारा बन गया। नंबर निकालने का ये तरीका है, ये कैसे हम लोग नंबर निकालें। ठीक है, तो नंबर अगर निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसको क्या करना था, 50 से डिवाइड करना था, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा रिमाइंडर हमारा, 8 बचेगा। यही बोल रहा था ना, समझ में है, कोई नंबर अगर एग्जाम में बोला जाएगा कि नंबर क्या होगा, सिर्फ नंबर अगर पूछा जाता तो संख्या ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, हमारा जो 15 क्या करेंगे, यहाँ पहले जोड़ेंगे हम लोग, इस तरह से पैटर्न में लिख लेना है पहले। ठीक है, इस पैटर्न में लिखने के बाद क्या पैटर्न हमारा है, ध्यान देना है, क्या बोला जा रहा था, 10 से पहले भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह से क्या बोला जा रहा है कि 15 से भाग देने पर क्या, मतलब सॉरी 5 शेषफल बचता है। तो क्या निकालने बोला जा रहा था, तो हमें निकालने संख्या निकालने, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ भाग वाला भाग के साथ, शेषफल वाला शेषफल के साथ। ठीक है, ध्यान देंगे, तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 20 आ गया। ठीक है, 20 को क्या करेंगे, अब 10 से गुना कर देंगे, इस नंबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 20 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 आ जाएगा। और 200 क्या करेंगे, 8 में फिर ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, 208 हो जाएगा। तो ये नंबर निकल गया, ये नंबर निकल गया 208, तो 50 से अगर डिवाइड करने बोला जाएगा, जो भी नंबर से डिवाइड करने बोला जाएगा, तो हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। समझ में आए कैसे आया ये नंबर हमारा, तो इस पैटर्न में हमको लिखना पड़ेगा हमें। समझ में आगे चलते हैं, तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है, नंबर सिस्टम आज हमारा खत्म हो चुका है, नंबर सिस्टम आज हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, हाल फिलहाल में जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसके उससे रिलेटेड जितने भी हमारे नंबर सिस्टम जितने क्वेश्चन बनेंगे वो अगले क्लास में करेंगे। और जिन किन्हीं को भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिनको इनको समझ में नहीं आया हो, और जिन्हें PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम में जुड़े, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।